किस विषय को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया? आज छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में भीम आर्मी के नेतृत्व में आज कार्यक्रम चल रहा था, जो धरना और पुतला दहन का कार्यक्रम था, जो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर और लखीमपुर यूपी में जो इतना बड़ा कांड और हादसा हुआ है, हादसा नहीं कहा जा सकता, इसको कांड ही किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार की एक गैर जिम्मेदार मंत्री के गैर जिम्मेदार बेटे के द्वारा जो हमारे किसान भाइयों को कुचला गया जिस गाड़ियों में, और उनका ये मकसद था कि किसानों की आंदोलन को त्राही त्राही किया जाए, किसान के आंदोलन को मतलब सफल नहीं होने देने का एक इनकी सोची समझी रणनीति से, जिस रणनीति के तहत हमारे किसान भाइयों की इन लोगों ने मार दिया गया, जिसके विरोध में भीम आर्मी ने पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को हमारे आदिवासी संगठन एक साथ देती है और समर्थन देती है, जिनके समर्थन में अगर ये पूरे प्रदेश में धरना करना चाहे तो हमारी पूरी संगठन पूरे प्रदेश में साथ देगी और पूरे देश में साथ देगी हमारी आदिवासी संगठन। और आज हम इस शक्ति जिले के पहला जिला घोषित हुआ है जहाँ हमने ये धरना आंदोलन के धरना और भी चक्का जाम और उग्र आंदोलन तक हम करेंगे, अगर इंसाफ सही तरीके से नहीं मिला, इन गुनाहगारों को देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इनको देशद्रोह घोषित किया जाए, इनको तुरंत से तुरंत फांसी की सजा देने की मांग करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी, और हमारे यहाँ शक्ति जिले से जहांगीर जिले से जो हमारे आजाद भाई रामस्वरूप उनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में हमारी पूरी आदिवासी संगठन और भीम आर्मी की पूरी टीम सब साथ में खड़े हुए हैं, और यहां से शुरुआत हम करते हैं और यहां से शुरुआत के साथ साथ हम अंजाम तक लेके जाएंगे, जब तक इन दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन चलती रहेगी, रुकेगी नहीं कभी। इसके बाद हमने यहाँ पुतला दहन किया, पुतला दहन करने के बाद सफल कार्यक्रम होने के बाद हमने ज्ञापन सौंपे, ज्ञापन के माध्यम से हम केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, और इसी विरोध के साथ हमने ये कार्यक्रम को यहाँ से समुचित सफल किए।